टॉर्च का उजाला कर दिया है, तो ये देख सकते हैं क्योंकि अभी अंधेरा है तो आप लोगों को दिख नहीं रही होगी, तो मैंने इसमें कलर। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। ये मेरा जो वीडियो रहेगा ये रूटीन ब्लॉग रहेगा, यानी कि यहाँ से अपनी जो शॉप है वहाँ तक जाने का मैं पूरा वीडियो आप सभी के बीच में दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज से आप सभी को रूटीन ब्लॉग मिलेगा, और क्योंकि बहुत टाइम हो चुके हैं मुझे कोई वीडियो नहीं डाली है, प्लस टाइम नहीं मिल पा रहा है अपने काम की वजह से, तो इस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ पा रही है काफ़ी टाइम के बाद। तो आज आप सभी के लिए इस पर वीडियो आएगी, लगभग लगभग रूटीन ब्लॉग आएंगे, तो आप लोग ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक भी। थोड़ा बहुत शक्ल दिख रही होगी और थोड़ा बहुत उजाला होने लग गया है। अभी मैं पहुंचा हूँ अपने घर से करीब करीब 300 मीटर 400 मीटर दूर, और अभी शायद यहाँ से थोड़ा उजाला दिख जाए। और अभी यहाँ देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा लग रहा है सुबह सुबह। तो ये मेरा रूटीन ब्लॉग रहता है, सुबह मॉर्निंग में 6 बजे दुकान खोलनी होती है, और उसके बाद दिन भर का जो जो भी अपना काम है वो पूरा करता हूँ। बस यही अपना रूटीन ब्लॉग बना हुआ है जब से कोरोना कोरोना टाइम हुआ। कोरोना टाइम पर ही मैंने अपना ये छोटा मोटा एक ढाबा यहाँ पर खोला रोज़मर्रा के लिए, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। और मैं आप सभी को एक बार यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाता हूँ और सुबह के टाइम पर कितना खूबसूरत लगता है हमारा उत्तराखंड, तो आप लोग भी ज़रूर देखें इसे। ये अभी मॉर्निंग का टाइम है, देख सकते हैं आप कितना खूबसूरत सा नज़ारा लग रहा है यहाँ से चारों तरफ। इतना प्यारा सा नज़ारा आप सभी को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप ये अपना रास्ता है। अभी थोड़ा बहुत उजाला हो चुका है, तो आप सभी से कुछ कहना चाहता था। आज बहुत दिनों के बाद जो मैंने वीडियो बनाई है, और इसके पीछे कारण भी है, और उस कारण को मैं अगले वीडियो में आप सभी के साथ वो वीडियो भी साझा करूँगा, क्योंकि काफ़ी दिन बाद भी इसलिए वीडियो आ रही है कि मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, वो भी नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा। सॉरी, अभी मॉर्निंग का टाइम है इसलिए थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला सा आ रहा है, तो इधर से कर देता हूँ क्योंकि इधर से सूरज की रोशनी आती है तो सीधे फेस पर पड़ती है, और वैसे भी आज मौसम जो है बारिश की संभावना है, देख सकते हैं हम बारिश भी आ सकती है आज। तो बस यही कुछ बातें हैं आप सभी के बीच में शेयर करने के लिए। अभी बस दुकान में जाना है और दुकान खोलनी है, वही जो रोज़मर्रा का काम करते हैं वही अपना काम करना है। बस यूं ही हमारी लाइफ चलती रहती है पहाड़, और पहाड़ में वैसे अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लोग के हाथ में कुछ हुनर है तो आप जितने हमारे पहाड़ी भाई हैं वह भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं यहाँ। आप अपने पहाड़ को मत छोड़ें, क्योंकि ये वातावरण आप सभी को देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। ठंड भी बहुत ज़्यादा है, मैंने तो 2-3 जैकेट पहन रखे हैं, एक जैकेट पहनी हुई है उसके अंदर से भी बहुत कुछ पहना हुआ है। तो यही यहाँ का रोज़मर्रे का साधन है, और आप सभी भी यहाँ कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ज़रूर करें। बस आप सभी को मैं अपनी धनों के पास लेके चलता हूँ, और उससे पहले मैंने उसकी एक वीडियो बनाई थी, उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर दिया है, दिखाता हूँ आप सभी को। यह अपनी धनों है, एक मिनट, आप सभी को दिख नहीं रही होगी, चेंज कर दिया है थोड़ा बहुत, क्योंकि इसका जो पहले का कलर था वो बेकार सा हो गया था, और इस तरह मैंने इसे बना दिया है। UP01 यानी ये बहुत पुरानी गाड़ी है, 1996 मॉडल है ये भी पूरा। मैंने इसका थोड़ा बहुत इसमें काम भी कराया था, तो अभी काम चलाने के लायक बना दी गई है। और इस स्कूटर की सबसे बड़ी खासियत होती है इसको टेढ़ा करना, इसको हम लोग टेढ़ा करेंगे तभी ये स्टार्ट होती है, इसको पूरा टेढ़ा करना पड़ता है।
क्योंकि इसका जो तेल पास होता है वो नहीं हो पाता है। अब हो चुकी है स्टार्ट, एक ही स्टार्ट है, अब इसे बंद भी नहीं होगी, थोड़ा सा चलने दिया जाए।